फ्रेंड्स, आई एम कोसर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एनआईओएस के स्टूडेंट के लिए, और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनआईओएस 10th क्लास के मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके थ्योरम है यहाँ पर ये। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे 99% ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपसे ये वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें प्रूव करने के लिए आता है आपको, मतलब प्रूव करना होता है आपको। जैसे कि आपसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि द सम ऑफ द एंगल्स, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि कितना है 180 डिग्री। मतलब आपको बताना है कि जो सम होता है किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर आते हुए देखा है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आपको देखना है। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर थ्योरम दे रखी है हमें, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, मान के चलिए हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा एक एंगल हो गया ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। एक लाइन हमारी यहाँ पर ये है, इस तरीके से हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रायंगल के ऊपर एक लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एंगल ये बन जाएगा और एक एंगल ये बन जाएगा। हमें प्रूफ करना होता है तो हमें ये मानना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल, तो सिंपल सी बात है, तीन एंगल हो जाएंगे, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। उसके ऊपर से हमने एक लाइन मान ली, कि हमने एक लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। तो हमें क्या चीज़ गिवन है कि अ ट्रायंगल एबीसी, हमें एक चीज़ गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी, तो हमारा हो गया एबीसी ट्रायंगल है। फिर टू प्रूव करना है हमें कि हमारा जो एंगल ए, यहाँ पर ट्रायंगल ही माना, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी कितना है, हमारे 180 डिग्री के इक्वल है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे थ्रू ए, यानी कि ए से ड्रॉ अ लाइन डी ई, यानी कि एक डी ई जो है, एक लाइन को हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, जो कि पैरेलल होगी बी सी के। फ्रेंड्स, पैरेलल क्या होती है, जो एक दूसरे से कहीं पर भी जाके, जैसे अगर पैरेलल का मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे मान के चलिए अगर मैं इन दो लाइनों की बात करूँ, यहाँ पर ए इस तरीके से है, तो ये आगे जाके क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे, इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन वहीं ये वाली लाइन अगर इस तरीके से हो, यानी कि एक दूसरे के क्या, पैरेलल है, यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को काट नहीं सकती, तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो यहाँ पर ये वाली इसके पैरेलल लाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ हमें याद रखनी है। देखिए, दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उस पर एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एंगल जो होता है, ये एंगल होता है आपके इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि इसके इक्वल होता है। ये एंगल जो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, यानी कि ये इसके इक्वल होता है। ये वाला एंगल जो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये इसके इक्वल होता है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो एक साइड पे, यानी कि सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर भी सेम, इधर के साइड में भी यही रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये वाले जो एंगल हैं, ये वाले जो एंगल बन रहे हैं, ये हमारे होगा लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर यानी कि जब एक ही आपके होते हैं, एक लाइन पे ओवरलैप करती है, यानी कि जो लाइन है ओवरलैप कर रही है, इसके जो साइड से दोनों अपोजिट साइड जो हैं वो क्या करिए, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके होंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है लीनियर पेयर होंगे, और ये हमारे 180 डिग्री की लाइन भी बन रही है, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या होता है, जब दो लाइन आपकी पैरेलल हो और यहाँ पर एक लाइन ट्रांसवर्सल हो, तो यहाँ पर क्या होता है, मान के चलिए इधर की तरफ से ये बनना है जेड, ऐसे लाइक ये जेड बनना है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इधर की तरफ से देखूं, तो यहाँ पर जेड ऐसे बनेगा, तो इसका ये वाला एंगल और ये इसका ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। फ्रेंड्स, ये चीज हमें क्या करना है, ध्यान देना है अब हमारे क्वेश्चन के अंदर। देखिए, यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि सिंस डी ई पैरेलल है हमारे बी सी के, ये चीज हमें सामने दिख रही है इसमें, ठीक है। अब ए बी जो है वो हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ए बी इसको क्या कर रही है, कट कर रही है ना, इन दोनों को लाइनों क्या कर रही है, कट कर रही है। यहाँ से अगर बाहर को भी ड्रॉ कर दो तो हो जाएगा, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे यहाँ पर क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये क्या है, इस पर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो फ्रेंड्स, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा, देखो अगर ये इस पर ट्रांसवर्सल कर रही है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो सिंपल सी बात है, जेड कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जेड ऐसे बनेगा लाइक दिस, ठीक है। तो हमारा एंगल बी किसके इक्वल होगा, जो ये वाला एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा हमारा, सॉरी जेड ऐसे भी बन जाएगा आपका, ठीक है। जेड एक ऐसे बनेगा, ठीक है, इस वाली लाइन में जेड ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है।
तो हमारे जेड बनेगा, तो हमारा एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल हमारे होगा डी ए बी के, किसके एंगल के, डी ए बी के, यानी कि वाले बाहर वाले एंगल के ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये हमारे क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले में भी सेम, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसमें ये वाली लाइन क्या, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये वाला इस तरीके से जेड बनेगा, तो हमारा एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई ए सी के, ई ए सी के इक्वल होगा, एंगल ई ए सी के। ये भी सेम रहेगा आपका पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है कि हमारी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इसके साइड में करेंगे, एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू में इन दिस वाली साइड को एक तरफ ऐड कर लेंगे, एंगल डी ए बी प्लस में एंगल ई ए सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर सॉरी वन वन कराएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि बी प्लस सी जो है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर इसके। ठीक है, यानी कि हमको इनको क्या करना, आपस में इक्वल करना है, इनको ऐड करके इस तरीके से इक्वल करना है। ये वाले इसमें ऐड कर देंगे, ये वाले इसमें ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग बोथ ए एंगल ए बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पहले इनको ऐड कर देना है, देन उसके बाद में क्या करना, दोनों साइड हमने क्या करना है, लिख भी सकते हैं आप, नाउ एडिंग एंगल ए टू बोथ साइड। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन वन है इस वाली में हम क्या करेंगे कि पहले हमने इनको ऐड किया, बी में सी को ऐड कर दिया, इधर की साइड में इसको ऐड कर दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए जो है हमें क्या करना है, दोनों साइड में ऐड करना। तो इस वाली साइड में जब मैं एंगल ए ऐड करूंगी तो ये हमारा हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू में यहाँ पर मुझे क्या करना है, एंगल ए क्या करना है, ऐड करना है, तो एंगल ए यहाँ पर भी ऐड कर दूंगी प्लस में एंगल डी ए बी प्लस में एंगल ई ए सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है, ये वाला कंप्लीट एंगल जो है, ये किस तरीके से बन रहा है, देखिए इसके अंदर एक तो हमारा एंगल ए यानी कि ये वाला, ठीक है, और एंगल आपका एक डी ए बी यानी कि ये वाला, और एंगल एक ये वाला ई ए सी। ये पूरा जब एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, वो स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की। तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रेट लाइन कितने की होगी, 180 डिग्री की। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो फ्रेंड्स यही इसमें बताना था हमारा, यहाँ पर एंगल्स क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं आपके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका 4 से लेकर 6 मार्क्स में आएगा। अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ इसी तरीके का आपसे क्वेश्चन आएगा, इससे इजी टाइप के कोई क्वेश्चन मैंने आते हुए नहीं देखे। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं अक्टूबर में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा, और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आपसे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, हमें यहाँ से फॉर्मूले देखने होते हैं किस तरीके से हमें बनाए हैं। देखिए सबसे पहले हमें यह बता रखा है कि आपको यहाँ पर ये LHS है और ये हमारा RHS है। तो जो साइड आपको सुइटेबल लगे, जिस साइड को यानी कि इस साइड को लेकर अगर आप इस वाली साइड को प्रूव कर सकते हैं तो आप ये वाली साइड ले लीजिए, अगर इस वाली साइड को लेकर आप इस वाली साइड को प्रूव कर सकते हैं तो आप ये वाली साइड ले लीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, कोई सी भी साइड लेकर आप इसको क्वेश्चन को प्रूव करना है कि हमारा LHS इक्वल है RHS के। तो हमने ले लिया यहाँ पर LHS यानी कि ये वाली साइड, तो हमें ये करना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये tan थीटा है, देखिए tan थीटा प्लस में cot थीटा, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, प्लस में cot थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। देखिए इनके आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, प्लस में cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, तो फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला भी है अगर आपने देखा होगा इसमें बुक में, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूले हैं आपके, इसमें आप देख लीजिएगा। तो इनकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ, नीचे कितना आ जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, हैंस प्रूव्ड, हम इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है, ये आपका एक क्वेश्चन है।
यहाँ से प्रूव करने वाले आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना, जो साइड आपको अच्छी लगे प्रूव करने के लिए, मतलब जो भी फॉर्मूला आपको आता हो, मान के चलिए आपको ये वाला नहीं आता, जरूरी नहीं कि आपको इसी वाले को लेना, अगर आपको इससे प्रूव कर सकते हैं, आपको यहाँ से कोई ट्रिक नजर आ रही है तो आप इधर की साइड वाला वो कर लीजिए, जो भी साइड से क्वेश्चन आप लेना वो ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए कि हाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इतना इजी ना पूछते हुए क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके का भी पूछ लिया जाता है आपसे, लाइक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन ये सभी क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी हैं अगर आपको ये टेबल आता है तो, और ये क्वेश्चन आपके आएगा तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं इससे, जैसे कि हमें टू दिया हुआ है, टू लिखा हमने और ब्रैकेट के अंदर हमें दिया हुआ है कोस थीटा, तो कोस 45 की डिग्री, कोस 45 की वैल्यू कितनी है, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर प्लस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी है, टेन 60 की वैल्यू √3, ठीक है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, माइनस में 6 यहाँ लिख लेंगे। फिर साइन 45, देखिए साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर, माइनस टेन 30 की वैल्यू कितनी है, टेन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 का स्क्वायर। फ्रेंड्स इसको अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे इजिली, ठीक है, देखिए टू जो बाहर है इसको भी बाहर नहीं देंगे, अंदर वाले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वन का तो वन ही आ जाएगा, देखिए जब वन को हम वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आ जाएगा, लेकिन जब हम √2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से रूट कैंसिल होकर यहाँ पर 2 आ जाता है, यानी कि एक 2 आ जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस यहाँ पर आपके दे रखा है यहाँ पर कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 6, अब यहाँ पर भी सेम करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा और माइनस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3, क्योंकि जब हम इसको √2 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी नंबर हो, जब रूट वाले रूट को करते हैं तो यहाँ पर एक ही नंबर आ जाता है इसमें से, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दे रखा है 2, ब्रैकेट के अंदर है, देखो 1/2 प्लस में 3, इनको ऐसे तो प्लस कर नहीं सकते, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन पे, 1 प्लस में 3 टू जब 6, माइनस 6 यहाँ पर भी करेंगे, 2 3 जब 6 और आपका 3 वन जब 3 माइनस के 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 7/2 माइनस 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/6। फ्रेंड्स इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/2 माइनस में 6 इंटू 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 7-1 तो हमारे पास आएगा 6 आंसर। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी इवेल्युएट करके आएगी 6, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यही है, बुक का ही क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर 6 आ गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ टेबल की वैल्यू आनी चाहिए। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया कि किस तरीके से आप टेबल को ईजिली लर्न कर सकते हैं, तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स उसके बाद में आपका एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर कराऊँ आपको, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पक्का आता है, क्वेश्चन जैसे कि 2016 में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पक्का इस एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, व्हेन द मूव 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल विद 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विथ ऑफ द रिवर। देखो हमसे बोला यहाँ पर बोला गया कि कोई पर्सन है वो यहाँ पर डी वाले पॉइंट पे, यानी कि एक जो नदी के किनारे पे यहाँ पर बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्व कर रहा है कि जो एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि एक ट्री को देख रहा है, यानी कि यहाँ पर ये नदी के किनारे बैठा है, यहाँ पर एक ट्री है, मान लेते हैं ये ट्री है, ठीक है, ट्री की हाइट है, यहाँ पर ट्री है, तो वो देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि जो एंगल बनना है उसका एलिवेशन, मतलब नीचे की तरफ से एंगल बनेगा तो एलिवेशन वाला और ऊपर की तरफ से बनेगा तो यहाँ पर होगा आपका डिप्रेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पर्सन यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ बैठा हुआ सी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से ट्री की जो टॉप है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो कितना है 60 डिग्री का, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ इस वाले कॉर्नर पे, यानी कि इस साइड में मान के चल लीजिए रिवर है, ठीक है, रिवर के इस साइड में बैठा हुआ ये ऑब्जर्व कर रहा है कि रिवर के दूसरी साइड में यहाँ पर एक ट्री है उसका एंगल कितना बनना है, तो उसका एंगल यहाँ से 60 डिग्री का बनना है, ठीक है।
when he moves 40 meters away from the bank, अगर वो इससे थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाता है 40 मीटर की तरफ और आगे की तरफ चले जाता है यानी किधर पीछे की तरफ, तो इससे देखता है कि यहाँ से अगर ये देखेगा तो इसका एंगल कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। तो हमें बताना है इस ट्री की हाइट कितनी है और जो रिवर है उसकी वेथ कितनी है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल इस तरीके से हमने फिगर बना लेनी है पहले तो ध्यान से। उसके बाद में लेट कर लेते हैं कि ए बी बी आर ट्री ऑफ हाइट एच मीटर्स। हमने मान लिया कि ए बी जो हमारी हाइट है एच मीटर की, ठीक है, जो हाइट जिसकी निकाली होती है इस तरीके से स्टैंडी होती है। लेट कर लेते हैं बी सी जो है, जो बी सी है यानी कि बी सी जो है वो हमारा एक्स मीटर है, रिप्रेजेंट द वेथ ऑफ द रिवर यानी कि जो रिवर की वेथ है वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो उसके आगे 40 मीटर अगर वो और ज़्यादा जाएगा सी से डी की तरफ जाएगा तो 40 मीटर जाएगा, तो यहाँ 40 मीटर इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनना है वो 40 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर एक्स प्लस 40। लेट सी एंड डी विद द टू पॉइंट्स वेयर विद द ट्री सबस्टैंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दो पॉइंट मान लिए हमने सी और डी जहाँ से कि वो ऑब्जर्व कर रहा है बैठ के, मतलब ट्री के टॉप को कि कितना यहाँ से मतलब एंगल बनना है। अब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मैं लूँ, ए बी सी ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने लिया, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा ए बी जो साइड हमें गिवन है उस चीज़ को हम देखना होता है, जैसे कि हमारे पास एच गिवन है एक्स गिवन है, ये हमें गिवन नहीं है तो हमें इसको देखना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो ये 60 डिग्री यहाँ पर ये पॉइंट है ना, यहाँ पर इसके ऑपोजिट वाले साइड परपेंडिकुलर होता है, इसके साइड वाला बेस होता है। तो हमें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कैसे होता है वो चीज़ देख लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कुछ फॉर्म लिख रहे थे, अब मैं लिखने की वजह यहाँ पर दिखा इसमें दिखा देती हूँ, या तो चलिए लिख लेते हैं टाइम इसमें। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। तो अगर टैन को टैन थीटा को देखें तो परपेंडिकुलर अपन बेस आता है ना, टैन थीटा हमारे क्या होता है टैन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पर क्या देखा, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा क्या बनना है टैन 60 डिग्री यानी कि हमारा ए बी अपॉन में बी सी जो है, ए बी अपॉन में बी सी किसके इक्वल है हमारा टैन 60 डिग्री के, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये किसके इक्वल होगा टैन 60 डिग्री के, क्योंकि ये पी बी यानी कि ए बी अपॉन में बी सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस किसका एंगल वो बनता है टैन का, ठीक है टैन 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स ए बी हमें एच गिवन है और बी सी हमें कितना है एक्स गिवन है, ए बी एच है और बी सी हमारे पास एक्स है। उसके बाद में हम अगर टेन 60 की वैल्यू करें तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी अंडर रूट 3। टेबल के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा कि हमारे जो टेन 60 की वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 होती है, वो हमने यहाँ रख दी। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है एच के यानी कि हमारी हाइट निकल कर आ जाएगी अंडर रूट 3 एक्स। अगेन हम राइट एंगल यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे ए बी डी यानी कि ए ए बी डी, अब इस वाले एंगल को लेंगे हम, ठीक है। तो इस वाले एंगल के अंदर यानी कि ए बी डी इस वाले पूरे एंगल के अंदर हमारा जो ए बी और बी डी, ए बी और बी डी किसके इक्वल होगा हमारा टेन 30 डिग्री के यानी कि टेन 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या होगा पूरा बेस होगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर तो सेम है एच ही है, लेकिन जो हाइट है अब क्या होगी, सॉरी इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया यानी कि बी डी कितना हो गया एक्स प्लस 40। तो x प्लस 40 लिख देंगे इक्वल्स में टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, टेन 30 डिग्री हमारा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 के, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिख दिया हमने। आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3h अंडर रूट 3h और ये हो जाएगा x प्लस में 40 यानी कि जब हम इसको करेंगे तो ये वापस इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि डायरेक्टली h जो है यानी कि हाइट, हमने हाइट कितनी निकाली अंडर रूट में 3x, तो यहाँ पर हाइट रख दी है h की जगह पर हाइट रख दी। अब उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है, और जब इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा x प्लस 40। यहाँ देख लीजिए अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इक्वल्स में एक्स प्लस में 40 ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा यानी कि ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है इक्वल्स में। अब यहाँ पर 3x में से इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो हमारे पास कितना बचेगा 2x यानी कि इक्वल्स में 40। देखो ये 3x है, इधर में ये x है, एक्स एक्स की तरफ ले आएंगे, 3x में से 1x माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, ये 40। x नहीं रखेंगे, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में आ जाएगी, तो ये 2 जो है ये डिवाइड में इसके आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 20 यानी कि हाइट हमारी कितनी होगी, वी गेट हाइट कितनी होगी, हमारी हाइट कितनी है
हमारी जो हाइट है वो अंडर रूट 3 इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 20 आ गई। जब अंडर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ में तो हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 1.732। ये हमारे इसकी अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है। कभी कभी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं इसको। स्टार्टिंग की वीडियो में जो मैथ वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया किस तरीके से निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा इसकी हाइट। तो फ्रेंड्स इसकी हाइट कितनी है हमारी, ये, और इसकी जो वेथ है यानी कि जो इसकी हाँ वैसे कितनी है इसकी 20, यानी कि x कितना है हमारा 20 मीटर का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके का आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 2016 का है। और अगर एक और चीज़ मैं बताऊँ तो आपको, या तो आपसे इसमें से क्वेश्चन एग्जांपल्स में से जैसे कि 2017 का 4 मार्क्स में आया था, या तो इसमें से आता है, या तो आपसे क्वेश्चन हमेशा जो आया मैंने देखा है क्वेश्चन आते हुए वो आपका टर्मिनल एक्सरसाइज से आया। टर्मिनल एक्सरसाइज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।